सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। सुपर संडे को प्लेऑफ के लिए खेले गए एक बेहद अहम मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें टूर्नामेंट के 56वें मुकाबले में 5 विकेट से हराया। पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 153 रन बनाए। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उसे चेन्नई को 100 रन के अंदर ऑल आउट करना था। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम सीएसके को दिए अपने लक्ष्य 154 का बचाव नहीं कर सकी और 5 विकेट से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। प्लेऑफ से बाहर होने के बाद कप्तान रविचंद्रन अश्विन टीम के बल्लेबाजों के प्रदर्शन से नाखुश दिखे। अश्विन ने कहा कि हमने टूर्नामेंट में पहले अच्छी शुरुआत की मगर अंत सही नहीं कर पाए। शुरुआती 6 मुकाबलों में केएल राहुल और गेल ने टीम को मैच जिताए और अंक तालिका में टॉप पर पहुंचाया। उन्होंने कहा, हमारे पास एक सभ्य अप्रैल था लेकिन मई का महीना काफी भयानक साबित हुआ। हमारे पास अंकित राजपूत थे जिन्होंने मैच की दिशा बदली लेकिन हमने कैच छोड़कर मैच गवाया। खैर, ये खेल का हिस्सा है। उन्होंने कहा, राहुल और गेल ने सबसे ज्यादा रन बनाए लेकिन हमारा मध्यक्रम पूरी तरह से फेल रहा। इस बार पंजाब की टीम काफी मजबूत थी। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम्स और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।